रोहित शर्मा ने बताई दिली इच्छा, सचिन की तरह विश्व कप विजेता बनना चाहते हैं। रोहित शर्मा का सपना भी सचिन तेंदुलकर की तरह वनडे विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बनने का है। तेंदुलकर का सपना 2011 में पूरा हुआ था, जो उनका छठा और आखिरी विश्व कप था। रोहित ने दो ICC प्रतियोगिताएं जीती हैं, 2007 T20 विश्व कप और 2013 ICC चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन उनके नाम पर अभी तक वनडे विश्व कप का खिताब दर्ज नहीं है। रोहित ने तेंदुलकर के संदर्भ में कहा है कि आपने उसे महान व्यक्ति को कई बार यहां कहते हुए सुना है कि वह जब तक विश्व कप नहीं जीत जाते उनका काम अधूरा ही रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को यहाँ होने वाले मैच की पूर्व संध्या पर कहा है कि यही बात हम पर भी लागू होती है। आप विश्व कप जीतना चाहते हैं, यह आपके करियर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका आपको अनुसरण करना होगा। लेकिन भारतीय कप्तान इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किस चीज को हासिल करने की बेताबी में नुकसान भी हो सकता है। रोहित ने कहा है कि जब आप किसी चीज को हासिल करने के लिए बेताब होते हैं तो फिर कई अन्य चीज भी हो सकती हैं। इसलिए बेताब होना और खिताब जीतने की भूख होना अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। आपको हर हाल में चीजों से संतुलन बनाना होगा। रोहित के इसके साथ ही कहा है कि दबाव से निपटना विशेष गुण होता है और प्रत्येक खिलाड़ी अपनी तरह से इसे पार पाता है। उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि टूर्नामेंट के कुछ चरणों में कुछ खिलाड़ी दबाव से गुजरेंगे, टीम दबाव से गुजरेगी। रोहित शर्मा के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।